Namaste again and welcome back to my channel. तो बनाएंगे आलू स्टफ्ड इडली तो इसमें आलू को थोड़ा सा फ्राई करके फिर इडली के अंदर स्टफ़ किया है और आप चाहे तो आलू को बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं तो उसमें थोड़े से ऐसे बेसिक मसाले डाल दें और चाट मसाला डाल दें धनिया के पत्ते प्याज टमाटर तो आलू बनाने के लिए सबसे पहले पैन ले लेंगे ले ले ले, उसमें डालेंगे ले ऑयल अच्छे से जब वो गर्म हो जाए फिर उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन हरी मिर्च थोड़े से करी पत्ते और उसके बाद एक दो मिनट के लिए इसको भून लेंगे फिर इसमें डालेंगे थोड़े से बेसिक मसाले जैसे रेड चिली पाउडर धनिया पाउडर हल्दी और जीरा पाउडर उसके बाद इसको भी आधे मिनट के लिए भून लेंगे फिर इसमें डाल देंगे आलू आलू डालने के बाद इसको आलू के साथ पकाएंगे आलू ये पहले से बॉईल करके रखा था फिर उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी डालना है मैंने डाला है बट इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है पता नहीं क्या हो गया फिर जब अच्छे से ये हो जाए पक जाए उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे और तब तक ये लिया है इडली का बैटर सूजी को और दही को थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर इसको चार पाँच घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था ताकि अच्छे से थोड़ा फूल जाए फिर उसके बाद जिसमें बनाएंगे उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जिसमें भी स्टीम करेंगे तो वो रेडी रखेंगे और फिर उसके बाद जो ये सूजी का बैटर था इसमें डाला इनो और फिर थोड़ा सा इसमें पानी डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बैटर मुझे मोटा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा पानी डाला और अच्छे से एक ही डिरेक्शन में इसको घुमाना है अच्छे से बैटर और इनो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक ही डिरेक्शन में घुमा फिर उसके बाद एक एक चम्मच करके बैटर को डाल देंगे इसमें और जो आलू हमने बनाया था उसका छोटा छोटा टिक्की बनाकर हाथों से इस तरीके से इसको डाल देंगे इस बैटर के ऊपर और फिर इसको कवर कर देंगे एक और चम्मच बैटर डाल के पहला वाला मेरे को लगा थोड़ा ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो गया था जो बैटर था क्योंकि नीचे में जो बैटर रखना था वो थोड़ा कम रखना था एक चम्मच से कम तो दो मैंने ऐसे किया उसके बाद जो तीसरा चौथा पांचवा था उससे उसमें से मैंने जो बैटर एक्स्ट्रा डाले थे वो सारे निकाल लिए थोड़े थोड़े करके फिर उसमें डाला मैंने आलू का टिक्की इस तरीके से बनाकर ऊपर से बैटर से अच्छे से भर दिया और इसको स्टीम कर लेंगे तो स्टीम करने के लिए जो जिसमें भी स्टीम करेंगे उसको पहले से रेडी रखें फिर बीस पच्चीस मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा उसके बाद किसी भी स्पैचुला या चम्मच से इसको थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा फिर निकाल लेंगे और उसके बाद ये रेडी है आलू स्टफ्ड इडली बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी लगता है और इसको मैंने थोड़ा सजाने के लिए ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा तंदूरी जो सॉस या मेो आता है वो लगा दिया उसके बाद ऊपर से करी पत्ते के जो छोटे छोटे पत्ते आते हैं उसको भी साइड से ऐसे चिपका दिया तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था तो और भी अगर सजाना है तो सजावट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है बहुत ही फिलिंग है और हेल्दी है और आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं शाम को रात को डिनर लंच सब बना सकते हैं और बहुत ही फिलिंग है क्योंकि इसके अंदर आलू स्टफ्ड है और फिर उसके बाद किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें